भाई हाउ टू प्रमोट लव जिहाद। मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, और शादी के बाद हमारे बच्चे हिंदुस्तानी। हाँ भाई बढ़िया, तो चलो अपनी आज की गदा मजदूरी शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बकचोदिया करने के लिए नहीं आए, इन जैसों को ठोकने के लिए स्पेशली PhD करके आए हैं। हम इनको छोड़ देंगे तो हमारी पहचान बुरी मान जाएगी, अगर हम इनको पटक के पेल देंगे तो दुनिया हमको सलाम ठोक कर जाएगी। तो भाई भाई की तो बहुत ही बड़ी पहचान है। तुमको नहीं पता तो इतना मैं बता दूं, जो पिंचर वाले होते हैं ना उनकी भी जान पहचान होती है। तो भाई मतलब कि अगर आप इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज में जाओ तो आप लोग क्या लिखते होंगे, आई मेक रोस्ट वीडियो, आई मेक एंटरटेनमेंट वीडियो, मतलब जो भी जिस टाइप की वीडियो बनाता वो लिखता है। भाई ये क्या लिखता है पता है, इश्तिहार की अदालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। नहीं मैं रजनी चौधरी को नहीं कह रहा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इश्तिहार SK के, जिसके सारे YouTube में 3 से 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज में ये टेक्निकल गुरु जिससे भी काफी आगे है। तो भाई आप लोग ये सोच ही रहे होंगे कि भाई ऐसा ये करता क्या है कि इसके टेक्निकल गुरुजी से भी आगे व्यूज जाते हैं। तो भाई तुमको शायद पता होगा, इसके सारे वीडियो आप स्क्रॉल डाउन करके देखो तो ये हमेशा हिंदुओं को टारगेट करने वाले ही थंबनेल बनाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई तुम लोग सोच ही रहे होगे कि ये चूतिया अपनी अदालत में फैसला कैसे करता है। भाई ऑब्वियसली भाई गाली देकर। कल आप कहेंगे कि हमारे लिए नमाज का टाइम रखो स्कूल और कॉलेज में हमारे बच्चों के लिए। और एक बात समझ में नहीं आ रहा, तुम भगवान तो हो नहीं, लोग कल क्या कहेंगे परसों क्या कहेंगे आपको पहले ही पता चल जाता है, सोचने वाली बात है यार। अरे हाँ याद आ गया, तुम्हारे बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक शैतानी जिन रहता है ना, वो नीचे का गुह उठा के तुम्हारे दिमाग में भर देता। और तू घोसड़ी के एक बार बिना लड़की के वीडियो बना के देख, तब तुझे तेरी औकात समझ में आएगी, और इसी बहाने तू लड़कियों की इज्जत करना सीखेगा। बेटी चोद बहन के लंड। वैसे तो भाई अगर आप देखो तो YouTube की गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, अगर इसके पूरे चैनल भी स्क्रॉल करके देख लोगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें खाली हिंदुओं को ही टारगेट कर रहा है ये बंदा। औरंगजेब जो दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को। अच्छा तुम्हारे नीचे का छोटा वाला साबुनदानी खराब है, इसका मतलब कुछ भी बोल दो। अच्छा तुम्हारे, और भाई अगर औरंगजेब तेरा बाप है बाप दादा है जो भी है, तो भाई तो उसको वीडियो डाल ना, उसकी वीडियो डाल, हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहा है हर। अगर सच में तेरी निगाह कभी योगी जी की पड़ गई ना तो तेरी पता नहीं कौन सी कुलिया में गाड़ी पलटी हुई दिखाई देगी। अगर तुम लोगों को नहीं पता होगा तो इसके जो व्यूज आते हैं ये टोटल लेफ्ट विंग्स की तरफ से आते हैं। अगर तुम इसके पूरे कॉमेंट सेक्शन उठा के भी देखोगे, सब लोग वही प्रॉपर एजेंडा के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर एजेंडा जो वही आमिर सिद्दीकी करता है, मतलब कि ये समझ लो कि ये अंडररेटेड आमिर सिद्दीकी है। भाई इस चूतिए के बारे में एक बात और ही बता दूँ, ये थंबनेल बनाता ना तो ये हमारे PM CM को कुछ गलत एड्रेस करके दिखाता है, मतलब कि ये थंबनेल कोई बाहर का आदमी नहीं बनाता, बनाता है ये खुद ही है ना, समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर लेफ्ट विंग वाला आदमी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि जैसे चूतियों पर वीडियो बनाऊं, लेकिन हाँ एक बात ये है कि ये हिंदू धर्म को ये बंदा गलत दिखा रहा है, ऐसे ये अकेला नहीं है, ऐसे काफ़ी हैं। तो भाई ये तुम लोग समझो और देखो, YouTube भी थोड़ा अपनी गाइडलाइन पॉलिसी पे काम करो, ऐसे अच्छे क्रिएटर जैसे क्रेजी दीप इन जैसों को डिमोनेटाइज या एज रिस्ट्रिक्ट करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बंदों को करो जो कि हकीकत में जो गाइडलाइंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।